हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे बहुत। तो अब बज चुकी है 8:15। तो मैं नहा ली हूँ और गर्म पानी करने आई हूँ किचन में, उसके बाद चाय बनाऊंगी। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। अभी तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बना रही हूँ, पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और आप लोग सजेस्ट कीजिए किस तरह की वीडियो बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसी बनाऊं, क्या करूं। जो घर के काम करती हूँ वही दिखा देती हूँ, कोई ऐसी बताइए चीज, कोई सजेस्ट कीजिए कि मैं आपके लिए और कैसी वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो में आप जरूर कमेंट करके बताना कि मुझे सलाह दीजिए कैसी वीडियो बनाऊं, कोई भी आप जो कहेंगी वो वीडियो मैं बना दूंगी। अभी रिक्वेस्ट एक जने की आई थी कि आप अपने मतलब होम ट्यूर बताएं, तो होम ट्यूर तो मैंने बनाए हुए एक दो, फिर भी कोशिश करूंगी। एक बार पूरा सेट करना पड़ता है घर होम ट्यूर में, तो अभी तो एकदम मेरे से होता नहीं इतना काम कि मैं पूरे घर को सेट करूं और फिर दिखाऊं, तो उसका वीडियो थोड़ा लेट बनाऊंगी मैं, होम ट्यूर की लेट बनाऊंगी थोड़ी। बाकी ऐसी कोई बता दीजिए जिससे मेरे लिए भी सरल रहे और आप लोगों को भी अच्छी लगे वीडियो। तो वीडियो देखिएगा आज की वीडियो। मैं इन संतरे के छिलकों को उबाल कर मतलब इसके पानी को छोटे छोटे काट लिए मैंने, और थोड़ा इसको छोटा काट लेती हूँ और इनको उबाल कर और इस पानी को ठंडा कर और पौधों में स्प्रे करूंगी, जिससे पौधों की जो पत्तियां पीली हो गई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, हरी हो जाएंगी और जो भी उनमें बीमारी होती है वो खत्म हो जाएगी, या जो भी उनमें मधुमक्खी वगैरह आएंगी इसकी खुशबू से आ जाएंगी। ये बाकी के छिलके मैंने काट रखे हैं, जो बड़े छिलके थे वो मैंने काट दिए। अगर आपके घर में भी गार्डन है कोई छोटा सा, तो उसमें ये जरूर इकट्ठे करके इनका जो पानी है उसको उबाल कर ठंडा करके स्प्रे करते हैं। अभी तुम्हें बर्तन मांज इस पानी को मैंने छान लिया है गर्म करके, अब इस बोतल में भर लूंगी और फिर मैं पौधों में स्प्रे करके आऊंगी। आपका कोई भी चीनी का कप क्रैक हो गया है थोड़ा बहुत, तो उससे फेंक के नहीं, उसमें थोड़े से कंकड़ डालकर और कोई भी पौध लगा दें, पौधा लगा दें मतलब कोई भी ऐसा पौधा जो कटिंग से लगता हो। और ये देखिए धनिए
आए थे घर पर, तो मैंने उसकी जड़ें रख ली थी और पानी में रख दी, 3-4 दिन हो गए और ये इसमें पत्तियां निकल के आ गई हैं सारी। अब मैं इसे डाल दूंगी, मिट्टी में दबा दूंगी, तो ये देखिए ये सारी पत्तियां आई हैं, ये थी नहीं लेकिन ये पानी में आ गई, पानी में डाल दी मैंने ऐसी। मैंने इस गोभी की जड़ को भी डाल रखा है, जो गोभी का डंठल हम निकालते हैं सब्जी से, तो इसको भी पीछे का डंठल निकाल के पानी में डाल दें, और पानी में डालकर थोड़ी इसमें जड़ें आ जाएंगी तो फिर इसको मिट्टी में डाल दें। चाय की पत्ती को अभी मैंने, पत्ती बहुत सारी हो जाती है तो इसको धो लिया है 3-4 पानी से, और अब ऊपर छत में जाकर सुखा दूंगी। तो ये पौधों में बहुत, एक एक चम्मच अगर हर पौधे में डाल दें तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है पौधों के लिए। आपके भी किचन गार्डन है या छोटा सा कोई टेरेस गार्डन है तो उसमें ऐसे आप करती रहें काम जो घर से ही निकलते रहते हैं, और इनका परिणाम भी अच्छा निकलता है काफ़ी, क्योंकि मेरे पौधे बहुत ख़राब हो चुके हैं तो इनको मुझे अभी सभी पौधों को सही करना है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम यही कर रही हूँ। अभी चावल बना रही हूँ तो वो सभी बन जाएंगे, मेरा व्रत है आज बुधवार का, तो इनके और बेटे के लिए बना रही हूँ। तो चावल धो लिए मैंने, अपना चावल धो, ये मैंने पहले भी बताया था नाप बना रखा है मैंने, और ये वाले तो मैं 3 बनाती हूँ, चावल तो ऐसे वाले 3 बनाती हूँ, और दाल को मैं अभी तो बिल्कुल कम बनाऊंगी, ये और बेटा ही है खाने वाले, तो बहू गई हुई है पियर, तो ये अभी मैं बस थोड़ी सी बनाऊंगी, मिक्स करके रखती हूँ दाल। तो ये पौना पौना भरा है मैंने इसको, इतना बनाने से बिल्कुल, अगर नाप तोल के बनाते हैं ना हम तो बिल्कुल थोड़ा बचता है, और नहीं तो ऐसे बना लो तो फिर बच जाता है, और इतना फेंकता है कि एक आदमी का खाना तो फेंक ही जाता है, तो इसलिए नाप के बनाए खाने को। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी आपके लिए, और अगर ध्यान नहीं हो तो फिर भी ध्यान कर लीजिए कि जब भी खाना बनाए तो अपने नाप बना के रखे, छोटी कोई कटोरी है उससे, तो जिससे आपका खाना फिकेगा नहीं, अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो उसे फिर काम ले लीजिए, चाहे तो दाल के पराठे बना ले, दाल बच जाए तो चावल को फ्राई कर लेती हूँ मैं तो, या फिर चावल की खीर बना देती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, या फिर उनको सुखा देती हूँ, तो उनको अगर वापस तल लेना चावल को सूखे हुए को, तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, उसकी नमकीन अच्छी बन जाती है। तो मैं तो यही करती हूँ कि अगर थोड़ा ज्यादा मान लो बन भी जाता है, कभी ज्यादा बेटियां वगैरह आई हुई हो और हो तो बन जाता है थोड़ा ज्यादा, तो उसको फिर मैं काम ले लेती हूँ, और अगर जब बनाती हूँ तो मैं फिक्स बनाती हूँ उतना ही कि जितना खाना है उतना बनाओ, नहीं तो इतनी महंगी दालें हैं, दाल भी फिकती है और चावल भी बहुत महंगे होती हैं ये चीजें, तो बिल्कुल ध्यान से खाना बनाए। मैं फिर कह रही हूँ दोबारा कि खाना बिल्कुल ध्यान से बनाए, फेंके नहीं खाने को बिल्कुल भी, कि लोगों को तो मिलता ही नहीं है खाने को, ऐसी चीजें बहुत सी, लोग तो दाल चावल को बहुत महंगा, होती भी महंगी है और महंगा होता है उनके लिए, और हम इतना फेंक दें बहुत गलत बात है, तो इसलिए हमेशा नाप तोल के बनाए। अब मैं जितनी दाल बना रही हूँ वो दाल उठ जाएगी और ये मतलब लग जाएगी मेरे घर में, चावल और दाल जितने बने, तो हमेशा तोल कर, तोल मोल कर ही बोले भी, आज ये भी कहूंगी मैं कि किसी को आप गलत ना बोले बिल्कुल भी, जब किसी से बात करें चाहे फोन पे करें चाहे आप आमने सामने बात करें, तोल मोल के बोलें, कोई बात किसी को आपकी बुरी लग सकती है, तो एक तो खाना तोल मोल के बनाए और एक बोले तोल मोल के। तो ये शिक्षा आज मैं अपने वीडियो में दे रही हूँ कि बोले तोल मोल के और बनाए तोल मोल का खाना भी, तो आपके एक शब्द से किसी को बुरा लग सकता है, इसलिए ध्यान से बोलें।
ऐसी बात ना कहें कि किसी का दिल दुखे। तो बस खाना बना रही हूँ। तो ये शाम 5 बजे का टाइम है, बादल से हो रहे हैं थोड़े, और ये सीढ़ियों में भी हमने कुछ गमले रख रखे हैं, उसमें भी स्प्रे कर रहे हैं, मास्टर जी स्प्रे कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इन पौधों में भी, ये बैंगन के पौधे हैं, इनमें भी स्प्रे कर देंगे और छत में भी जाके सारा स्प्रे कर देंगे इस पानी को। तो जो हमने संतरे के छिलके का पानी बनाया है, वो सारे पौधों में हम स्प्रे कर रहे हैं, और इनमें जो भी बीमारी या कीड़े लगे हुए हट जाएंगे इस पानी से। तो बस शाम का वक्त है ये, और हम दोनों ही छत में आ गए हैं। अब ऊपर आई हूँ तो थोड़ा सा घूम लेती हूँ, फिर बार बार तो मेरे से ऊपर आया नहीं जाता है। अभी ज़्यादा ठंड नहीं है, ना हवा है ज़्यादा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए लोग हैं तो वो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।